जी हाँ, तो आइए शुरू करते हैं बिहार एजुकेशन सर्विस के बारे में जानते हैं। बिहार एजुकेशन सर्विस और स्पेशली उसमें देखेंगे हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन जो विभाग है उसका, उसके बारे में, क्योंकि एजुकेशन सर्विस के अंदर ही आपकी टीचिंग भी आ जाती है। जो स्कूल्स में पढ़ाते हैं या फिर कॉलेज में जो लेक्चरर या प्रोफेसर होते हैं तो वो भी एजुकेशन सर्विस के अंदर ही आते हैं। लेकिन हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के बारे में, ठीक है। तो जो आपने सुना होगा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो होते हैं या फिर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो होते हैं, तो उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। और ये मैंने जो डिटेल ली है वो बिहार गैजेट से ली है, और बाकी जो मुझे पता है उसके हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो बिहार एजुकेशन सर्विस में अभी जो रिक्रूटमेंट होने वाली है 67th बीपीएससी के थ्रू, और इससे पहले 65th में काफ़ी वैकेंसी आई थी जिसके कारण ये काफ़ी फेमस हुआ था। तो काफ़ी लोग जानना चाह रहे थे कि क्या होता है इसमें, क्या काम करना पड़ता है, क्या प्रमोशन होती है, तो इसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो वही 65th में लास्ट टाइम आई थी वैकेंसी। अब तो खैर उसका रिजल्ट भी आ गया, लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया, उनकी ट्रेनिंग चल रही है अभी। तो जानते हैं डिटेल इसके बारे में, देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो जब आप लोग ज्वाइन करेंगे, सबसे पहले जब एग्ज़ाम आप कंप्लीट करने के बाद, सेलेक्ट होने के बाद जब आप सेलेक्ट होंगे डिस्ट्रिक्ट बिहार एजुकेशन सर्विस में, तो सबसे पहले क्या पोस्ट मिलती है वो हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इसकी हायरार्की समझते हैं जो हम लोग देखते हैं नॉर्मल लाइफ में। तो आपने देखा होगा कि स्कूल्स में या फिर जो भी लोकल जो विलेज लेवल पे होते हैं या फिर जो प्राइमरी मिडिल स्कूल या फिर हाई स्कूल्स होते हैं, तो उन सबको जो सुपरवाइज करने का जो जिम्मा होता है वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पास होता है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या फिर उसी को स्कूल इंस्पेक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो ब्लॉक लेवल पे वो पदाधिकारी पोस्टेड होते हैं शिक्षा विभाग के अंदर या एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। उसके बाद क्या होता है कि जो उनकी प्रमोशन होती है, तो वो प्रमोट होकर आगे फिर प्रोग्राम ऑफिसर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, फिर एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ऐसे करके वो प्रमोट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभी जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा तो उससे क्या पोस्ट मिलती है और ये ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कैसे बनते हैं, ये दो अलग चीज़ें हैं। तो ब्लॉक एजुकेशन सर्विस जो है एक तरह की सबॉर्डिनेट सर्विस है, ये बिहार एसएससी के थ्रू इसमें रिक्रूटमेंट की जाती थी पहले, ठीक है। तो जो भी ये जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं बीईओ, इनकी जो लेवल होती है वो 7 होती है सैलरी, ठीक है। तो पहले तो इनका जो सिलेक्शन होता था वो होता था बिहार एसएससी के थ्रू, ठीक है। पहले लेवल 6 होता था, बाद में 7 हो गया। लेकिन अभी ज़्यादातर क्या होता है, काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा उसमें वैकेंसीज नहीं आती है। तो वैकेंसीज नहीं आती है तो क्या करते हैं कि जो हेडमास्टर होते हैं या फिर प्रिंसिपल होते हैं स्कूल्स के, उन्हीं में से सेलेक्ट करके जो मतलब जो सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं या फिर उनमें से ही सेलेक्ट होकर के कुछ लोगों का रिकमेंडेशन जाता है, तो वो सिलेक्शन होता है बीईओ में, ठीक है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर उन्हीं में से बनते हैं, ठीक है। एक सिलेक्शन कमेटी बैठती है, वही डिसाइड करते हैं कि कौन ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होगा। तो मेन काम तो इन्हीं का होता है, जो फील्ड वर्क जो मेनली देखते हैं कि जो टीचर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं या फिर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कंडीशन है स्कूल्स की, ठीक है। तो जो भी बेसिक लेवल पे आपको जो अगर आप टीचिंग सर्विस जो आप देखते हैं एजुकेशन सर्विस, अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो आपको आप देखते होंगे कि मेनली बीईओ काफ़ी फेमस पोस्ट है, स्कूल इंस्पेक्टर भी कहा जाता था इसको। तो यही सारा काम देखते हैं, बाकी किसी तरह का जो आपका कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जो बनता है या फिर वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, काफ़ी तरह के सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं अगर नया एडमिशन चाहिए होता है आपको स्कूल्स में। गवर्नमेंट स्कूल से ट्रांसफर अगर आप होते हैं किसी और स्कूल में तो उनको कुछ क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो सारे सर्टिफिकेट भी ब्लॉक लेवल पे पहले इन्हीं से बनता है, फिर आगे ऊपर वेरीफाई होकर ये जाता है दूसरी जगह पर, ठीक है। तो ये हो गया बीईओ। तो बीईओ आपने देख लिया, तो बीईओ की जो रिक्रूटमेंट है वो आपने देख लिया कि वो बिहार एसएससी के थ्रू या फिर वो जो प्रिंसिपल हैं वो प्रमोट होकर वो बनते थे, ठीक है। तो बीपीएससी से क्या बनेंगे, जो हम बीपीएससी एग्ज़ाम जो दे करके जाते हैं तो कौन सी पोस्ट मिलेगी? तो आपको जो है बीपीएससी से सबसे जो पहला पोस्ट है वो आपको मिलता है प्रोग्राम ऑफिसर, ठीक है। प्रोग्राम ऑफिसर पहला पोस्ट मिलता है जो इसकी ग्रेड पे होती है 5400 ग्रेड पे, ठीक है, या फिर लेवल 9 मिलती है इसको, ठीक है। तो जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको पहली पोस्टिंग आपको प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में होती है डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर आप प्रमोट होते हैं तो प्रमोट होने के बाद आप बनते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर जो पहला प्रमोशन होगा, दूसरे प्रमोशन में आप बनते हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। और जो तीसरा प्रमोशन, अगर टाइम मिलेगा, टाइम बचेगा, तो आप बनेंगे डिप्टी डायरेक्टर, इसको कहा जाता है रीजनल डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, तो ये आप बन सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इनका काम क्या होता है, इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है, ठीक है। तो पहले जैसे ही आप सेलेक्ट होकर जाते हैं आपको प्रोग्राम ऑफिसर का पोस्ट मिलता है, ठीक है। प्रोग्राम ऑफिसर की जो पोस्टिंग है वो आपको जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का जो ऑफिस होता है हर ज़िले में होता है, और उनका एक अलग ऑफिस होता है, अलग बिल्डिंग होती है, वहीं पे पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं वो वहीं रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो वहीं पे प्रोग्राम ऑफिसर आपका स्टार्टिंग लेवल का पोस्ट हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और उनका काम एक तरह से जितना भी आप एक तरह से एचआर का जो काम हो गया एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जितने भी टीचर्स हो गए उनकी सैलरी, उनकी छुट्टी, ठीक है, वो सारी चीज़ें वो उनको देखना होता है, ठीक है, प्रोग्राम ऑफिसर को। इसी को हिंदी में कहा जाता है कार्यक्रम पदाधिकारी, ठीक है। तो कार्यक्रम पदाधिकारी आप देखते होंगे कि अगर रास्ते में घूमते हुए आपको उनकी गाड़ियाँ मिल जाएगी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी या फिर कार्यक्रम पदाधिकारी या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी, है ना, ये हिंदी वर्जन हो गया एजुकेशन ऑफिसर या फिर प्रोग्राम ऑफिसर का। तो जो पहला तो प्रोग्राम ऑफिसर का काम आपने देख लिया है ना, उसके बाद आप जो प्रमोट होते हैं, सॉरी, कार्यक्रम पदाधिकारी का प्रोग्राम ऑफिसर का जो ग्रेड पे है वो लेवल 9 हो गया। उसके बाद जब आप प्रमोट होते हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जब बनते हैं तो आपकी जो ग्रेड पे है वो लेवल 11 हो जाएगी, 6600 ग्रेड पे, ठीक है। उसके बाद जब आप प्रमोट होंगे तो लेवल
टोटल 12 हो जाएगी ग्रेड पे, 7600 ग्रेड पे वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के रूप में, ठीक है। और जब आप उसके आगे फिर प्रमोट होंगे क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, ठीक है, तो उसमें आपकी लेवल 13 हो जाएगी प्रमोट होंगे। तो जो ये प्रमोशन है वो तो 10-10 साल पे ही नॉर्मली होता है, वो रोस्टर के हिसाब से, सीट के हिसाब से ही होगा। मान लीजिए कि 38 डिस्ट्रिक्ट है तो उस हिसाब से 38 सीट्स हैं, तो अब उसमें जो ऊपर रिटायर होते जाएंगे एज के हिसाब से, उस हिसाब से जो वैकेंसी आएगी उस हिसाब से इनका सिलेक्शन होता है। तो 50% जो है वो तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से प्रमोट होकर बनते हैं कार्यक्रम पदाधिकारी, और 50% डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। तो जो बीईओ से प्रमोट कुछ ही हो पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की तो एज काफ़ी ज़्यादा होती है, वो प्रिंसिपल से जो प्रमोट होकर बनते हैं तो वो तो रिटायर हो जाते हैं मोस्टली, कुछ ही कार्यक्रम पदाधिकारी बन पाते हैं। लेकिन जो बीपीएससी के थ्रू जो प्रोग्राम ऑफिसर बनते हैं वो आगे तक जा पाते हैं, क्योंकि 10 साल बाद, मान के चलिए अगर मिनिमम 10 साल में भी प्रमोशन होती है तो आप डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर 10 साल में बन जाएंगे, उसके 10 साल बाद यानी कि 20 साल के बाद आप जिला शिक्षा पदाधिकारी बन जाएंगे, और उसके 10 साल के बाद आप क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक बन सकते हैं। तो जो ये तीन पोस्ट हैं, जो कार्यक्रम पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी या जिला शिक्षा पदाधिकारी, इन तीनों की पोस्टिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो ऑफिस होती है हर जिले में वहाँ पर होगी, और जब जो चौथा जो पोस्ट है क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तो उनकी पोस्टिंग जो है वो डिवीज़न में होगी, कमिश्नरी जिसको कहते हैं, जैसे मुंगेर, मगध, दिमका और ये तिरहुत, पटना, ये सब जो है, तो इन सब जगहों पे आपकी पोस्टिंग होगी जब आप डिप्टी डायरेक्टर बन जाएंगे, उप निदेशक बन जाएंगे, ठीक है। इन सब के अलावा भी क्या होता है कि कई लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट में भी भेजा जाता है, जैसे प्रोग्राम पदाधिकारी है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उनकी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में ही हो, उनकी पोस्टिंग आप कमिश्नरी में भी हो सकती है, डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में, जहाँ पे वो उनको असिस्ट करेंगे, ठीक है, उनकी पोस्टिंग भी हो जा सकती है। फिर जो बिहार स्कूल बोर्ड एजुकेशन जो है वहाँ पे भी आपको असिस्टेंट सेक्रेटरी बनाया जा सकता है एज ए कार्यक्रम पदाधिकारी जब बनते हैं, तो वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो जाती है पटना में अगर हुआ तो ये बात है। फिर एक प्रमोशन के बाद जब आप जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बन जाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के ही ऑफिस में आपकी पोस्टिंग हो, नहीं, इसके अलावा आप एग्जामिनेशन कंट्रोलर बन सकते हैं बिहार संस्कृत एजुकेशन बोर्ड का, ठीक है, जो कि पटना में है, या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हैं जो एजुकेशन हेडक्वार्टर है पटना में वहाँ पर, ठीक है। जब तीसरे प्रमोशन में पहुँचते हैं, जब आप जिला शिक्षा पदाधिकारी के कैडर में आते हैं या रैंक पे आते हैं, तो मान लीजिए कि 38 लोग तो मान लीजिए डीईओ बन गए, ठीक है, तो कुछ लोग क्या होंगे, वो डिप्टी डायरेक्टर बन जाएंगे हेडक्वार्टर में या उप निदेशक मुख्यालय, कुछ लोग सेक्रेटरी बन जाएंगे, मतलब जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होता है वो उस रैंक का आदमी सचिव बनता है बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का, ठीक है, या फिर बिहार राज्य मदरसा बोर्ड हो गया उसका भी सेक्रेटरी वही बनता है, ठीक है, या फिर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन कमेटी जो होती है, जो बोर्ड है अपना, उसका जो सेक्रेटरी हो गया, तो वो भी आपका एक जिला शिक्षा पदाधिकारी रैंक का ही पदाधिकारी बनता है। तो इस तरह से फिर आगे देखिए, इस तरह से आगे आप देखेंगे हायरार्की, तो जो कुछ लोग 9 अगर प्रमंडल है या फिर 9 डिवीज़न है तो 9 लोग ही आपके डिप्टी डायरेक्टर बन पाएंगे, बाकी जो होंगे वो जॉइंट डायरेक्टर कोई बन जाएगा, कोई स्पेशल डायरेक्टर बनेगा, ठीक है, कोई डायरेक्टर बन जाएगा ट्रेनिंग और रिसर्च का। तो इस तरह से पटना में कुछ लोगों की पोस्टिंग हो जाएगी हेडक्वार्टर में, तो इस तरह से हायरार्की चलती है, ठीक है। तो ये जो आप देखेंगे कि बाकी पोस्ट के कंपैरिजन में ये काफ़ी डायनामिक है और काफ़ी आप इसमें एंजॉय करेंगे काम करना, क्योंकि एक तरह से आप सोसाइटी की सेवा भी कर रहे हैं, काफ़ी बढ़िया पोस्ट है ये एजुकेशन फील्ड में, आप चाहें तो काफ़ी कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, तो बहुत बहुत तरह की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें। तो आप देख ही सकते हैं कि जब आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लेवल पर पहुँचते हैं तो काफ़ी सारे बोर्ड के सेक्रेटरी बनने का आपको मौका मिलता है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक खास बात है कि जो एजुकेशन कैडर के जो ऑफिसर हैं उनको काफ़ी मौका मिलता है इस फील्ड में ही आगे बढ़ने का। इसमें आईएएस और बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उनकी जो मतलब आईएएस तो है ही, जो एट द एंड जो डायरेक्टर होगा वो तो यही आईएएस ही होगा कोई, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट में क्या है कि लोअर पोस्ट पे भी वो बीएएस के लोग आ जाते हैं या फिर अदर डिपार्टमेंट से आ जाते हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि एजुकेशन सर्विस के लोगों का वर्चस्व रहता है, तो काफ़ी बढ़िया कैडर है और इसको डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं। पावर भी काफ़ी अच्छी है अगर आप देखेंगे, हालांकि जो प्रोग्राम ऑफिसर हैं उनको ज़्यादा नहीं मिलता है और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर को भी ज़्यादा फाइनेंशियल पावर नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला शिक्षा पदाधिकारी के अंदर काफ़ी फंड्स आते हैं और उनको फाइनेंशियल पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, और एक स्कूल से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना होता है, मेन डिसीजन तो एक डीईओ ही लेता है, लेकिन उसके नीचे जो काम करते हैं साथ में जो प्रोग्राम ऑफिसर हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर हैं उनके पास भी कुछ हद तक पावर दी जाती है, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी के अंदर ही उनको काम करना पड़ता है। तो यानी कि जिला में मेन जो ऑफिसर हुआ उनका वो जिला शिक्षा पदाधिकारी ही है। तो एक डिमेरिट आप समझ सकते हैं कि कार्यक्रम पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को कहीं ना कहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी के अंदर ही काम करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो 20 साल सीनियर हैं तो ऑब्वियसली उनका फायदा तो उनको होगा ही। तो यही है, हालांकि गाड़ी की अगर हम बात करें तो वो सबको मिलती है, ऑफिशियल व्हीकल तीनों पदाधिकारी के लिए है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए स्पेशली होता है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर के लिए भी होता है, और प्रोग्राम ऑफिसर के लिए भी ऑफिशियल व्हीकल दी जाती है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, वो हम लोग बाकी वर्क में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये काम रहता है, बाकी तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं इनके सैलरी और पर्क्स क्या होते हैं। तो सैलरी में यही 7th पे के हिसाब से जो आपका मैट्रिक्स है यही इनको दिया जाता है, जो हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट सेम है। लेवल 9 से ये लोग शुरू करते हैं, 9 के बाद प्रमोट होकर 11 पे जाते हैं, 11 के बाद 12, 12, 13, तो यही इनकी सैलरी होती है। तो एग्जैक्ट सैलरी की अगर हम बात करें ज्वाइनिंग के टाइम पे, तो अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ January 2021 में, तो अभी के हिसाब से आप देख लो तो इनकी जो बेसिक सैलरी है वो 53,100 से ये लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ कैलकुलेशन आप देखोगे कि अभी जो महंगाई भत्ता है या DNS अलाउंस जो है ये 31% है, फिर NPS जो 12% करते हैं, जो भी 14% करते हैं, मेडिकल मिलता है, कुछ कन्वेंस मिलेगा, ठीक है,
ट्रैवलिंग अलाउंस जिसको कह सकते हैं, उसके बाद जो हाउस रेंट अलाउंस है जो अलग अलग हो सकती है। अगर आप ये पटना में पोस्टिंग है तो थोड़ी सैलरी ज़्यादा मिलती है, और अगर छोटे जगहों पे है डिस्ट्रिक्ट में है तो सैलरी थोड़ी कम मिलेगी। तो बाकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आपकी सैलरी जो है ग्रॉस की अगर हम बात करें तो अराउंड 85,000 के करीब ग्रॉस बनेगी, और सारा कुछ अगर PF कट के अगर बात करें तो 68,000 या 69,000 के करीब आपकी सैलरी क्रेडिट होगी आपके अकाउंट में। अगर पटना में अगर आपकी पोस्टिंग है तो 90,000 के करीब ग्रॉस होगी, 91,000 के करीब, और 73,000 या 74,000 के करीब आपकी कट के अकाउंट में आएगी बैलेंस। ठीक है, तो यही सैलरी रहती है। बाकी पोस्टिंग की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग पोस्टिंग ही आपको डिस्ट्रिक्ट में ही होती है, तो ज़्यादा रूरल तो नहीं, लेकिन ज़्यादा बिहार के हिसाब से तो कोई डिस्ट्रिक्ट अर्बन कह नहीं सकते हैं, लेकिन कंपेरेटिवली बाकी पोस्ट से BDO CEO बाकी जो जिनकी पोस्टिंग ब्लॉक्स में होती है उस पोस्ट के मुकाबले तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, उससे तो कंपेयर भी नहीं कर सकते, उससे तो अच्छी पोस्ट है ही है। तो आपकी पोस्टिंग सीधा डिस्ट्रिक्ट में ही होती है और करीब 20-25 साल आप डिस्ट्रिक्ट में ही रहते हैं, और अगर लक अच्छा है, सेटिंग अच्छा है, जुगाड़ अच्छा है तो पटना में पोस्टिंग हो जाती है, और ऐसे देखेंगे तो 20-25 साल के बाद पटना में पोस्टिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वर्क के नाम पे वही सेम चीज़ दी जाती है आपको, पोस्ट पे सेम मिल जाएगा, और बाकी क्वार्टर अगर अवेलेबिलिटी रही तो दी जाएगी आपको, कार और डीजल वगैरह वो तो रहता ही है। ठीक है, बाकी एक मेडिकल फैसिलिटी जो कॉमन है हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, आपकी जो भी मेडिकल खर्चे हैं वो रीएम्बर्स हो सकते हैं, उसके कंडीशन अलग होते हैं। और फिर आपको ट्रैवलिंग यानी कि आपको घूमने के लिए हर 4 साल में आपको ट्रेन टिकट दे दी जाएगी, प्रमोट होंगे तो फिर फ्लाइट टिकट भी मिलेगी। उसके बाद लीव्स अलग अलग तरह के होते हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, बाकी एक्स्ट्रा वर्क तो है ही, बिहार सरकार का बोर्ड लगा के वो खाली मार सकते हैं, तो यही सब वर्क है इसमें। तो बाकी और कुछ इसमें है नहीं, बाकी मैंने पहले भी बता रखा है पिछले वीडियोस में कि क्या मिलते हैं इन ऑफिसर्स को, क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, तो आप पीछे वीडियो चेक कर सकते हैं। बाकी और तो कुछ है नहीं इस वीडियो में बताने के लिए, अगर आपको लगता है कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, अगर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको आंसर करूँगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा हाँ, एक ज़रूरी चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, तो प्रोग्राम ऑफिसर पे जब आप ज्वाइन करते हैं कार्यक्रम पदाधिकारी पे, क्वालिफाई करने के बाद जो फर्स्ट ज्वाइनिंग जब होगी आपकी, तो 2 साल के लिए आपको ट्रेनिंग पे जाना होता है। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड जो होता है हर पोस्ट के लिए होता है, तो इसमें भी है, लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि जो 2 साल की ट्रेनिंग होगी आपकी तो उसी 2 साल में आपको BEd भी कंप्लीट कर लेना होता है, क्योंकि एजुकेशन सर्विस में ये रूल है कि हर कोई BEd होता है भाई इसमें। ठीक है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर में भी आप देख रहे हो कि जो प्रिंसिपल आते हैं तो वो तो ऑब्वियसली BEd होते हैं, और इससे पहले भी जब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनते थे तो उनको भी BEd करना पड़ता था या फिर BEd की डिग्री लेनी पड़ती थी आफ्टर सिलेक्शन। उसी तरह से अभी कार्यक्रम पदाधिकारी जब आप बन के जाएंगे तो आपको जो 2 साल की ट्रेनिंग मिलेगी तो उसमें आपकी BEd भी हो जाएगी, तो ये एक अच्छी चीज़ है, एक एडिशनल आपको डिग्री मिल जाती है जो काफ़ी कुछ समझने में आपके काम में वो आपको काफ़ी मदद मिलती है उससे। ठीक है, तो वो एक चीज़ ये है, और जब 2 साल आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तो आपका फिर वो प्रमोशनल एग्जाम होगा, प्रमोशनल नहीं कंफर्मेशन के लिए एग्जाम होगा, तो वो हर पोस्ट के लिए जरूरी होता है, तो वो इसमें भी है, वो आपको पास करना पड़ेगा, पास अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको फिर से ट्रेनिंग आपको 1 साल एक्सटेंड हो जाएगा, अगर उसमें भी पास नहीं करेंगे या फिर सेटिसफैक्ट्री नहीं रहा तो आपको निकाला भी जा सकता है। तो फर्स्ट 2-3 ईयर्स आपको ध्यान से काम पर ध्यान देना होता है आपके, ठीक है, या फिर ट्रेनिंग पर, लेकिन वो ऐसा कुछ टफ नहीं होता है, वो हो ही जाता है, जब इतना आप एग्जाम क्लियर करके जा रहे हो तो ऑब्वियसली उसको करने में क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये छूट गया था बताना, और बाकी सब कुछ तो ठीक है, जॉब ये ठीक है क्या, मतलब बहुत अच्छी जॉब है अगर आप देखें, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस और फाइनेंस सर्विस, उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है एजुकेशन सर्विस की। ठीक है, कुछ लोग वो रजिस्ट्रार वाली पोस्ट आगे रखते हैं, उसका एक अलग रीज़न है, लेकिन ये पोस्ट वाकई में काफ़ी, आप देखेंगे कि एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी कुछ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज ए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर तो खैर आप नहीं बन सकते, क्योंकि वो आपकी जूनियर पोस्ट हो जाती है ऐसे भी, ठीक है, आप उससे ऊपर ही बन रहे हैं, तो आप बहुत कुछ सुधार सकते हैं, जो भी आप देखते हैं कि सरकारी स्कूलों में जो नहीं रह पाता है, जो जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं रहती है, ठीक है, टीचर्स नहीं जाते हैं, वो सब आप लोग ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है, और काफ़ी पावरफुल है पोस्ट है, और नोन पोस्ट है, तो सोसाइटी में रेस्पेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा है इस पोस्ट की। ठीक है, तो यही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।